अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बना है मोस्ट डिमांडिंग समर की बेहतरीन रेसिपी। रेसिपी में शामिल है लोबिया की रेसिपी, जो बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार बनी हुई है। देखें, और बहुत ही इजी है और फुल ऑफ प्रोटीन है। तो मज़ेदार सी रेसिपी बनी कैसी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही ईजी और घर में आम मौजूद होने वाले मसालों से बनी है। सबसे पहले तो आपने लोबिया को रात भर भिगो देना है। इसमें तकरीबन 1 टीस्पून शामिल करना है आपने खाने वाला मीठा सोडा। इसको रात भर भिगोने के बाद इस तरह का हो जाएगा। मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये देखें, इसके कुछ टूट भी रहे हैं, बीच में से दो हिस्से हो रहे हैं। ये देखिए, मैंने आपको क्लोज़अप दिखाया इसका। अब अपने ये झाग वाला पानी निकाल देना है और इसको एक बार धो लेना है। धो लेने के बाद फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसको वॉश कर लेते हैं और ये इस पानी को निकाल देते हैं। पानी निकालने के बाद इसमें शामिल कर लेते हैं हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर लें। अब इसमें ऐड कर लेते हैं 5-6 प्याज को मैंने इस तरह बारीक कटिंग कर ली है। देख कितना बारीक की है, इससे ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा ही होगा। और साथ ही इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। नमक आपने हसबे ज़ायका ऐड कर लेना है, मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून शामिल किया है। साथ ही आपने हरी मिर्च ऐड कर लेनी है, 3 टीस्पून लाल मिर्च के शामिल किए हैं और थोड़ी सी रेड पाउडर फॉर्म रेड चिली भी ऐड की है। हल्दी ऐड कर देंगे, आप चाहे तो ज़्यादा भी शामिल कर लें। अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं। 3 कप मैंने लोबिया ली थी, इसको रात भर भिगोती था, और 3 से 4 कप मैंने पानी के लिए इसे को इतना पकाएंगे कि पानी ड्राई हो जाए। इसको जैसे मिक्स कर लेते हैं, इसको पकने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करेंगे, उसको पकने के लिए रख देंगे। कुछ देर बाद ये देखें पानी ड्राई हो चुका है। फिर थोड़ा बहुत पानी है इसमें, हम इसमें साथ ही ऐड कर देते हैं टमाटर का पेस्ट। तकरीबन 5 अदर टमाटर है इसमें। हमें काली मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, सूखा धनिया ऐड करेंगे और ऑयल शामिल करेंगे। उसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे। ये देखें अब इसकी ग्रेवी बन गई है। आपका चाहे दिल चाहे आप इसको ड्राई फॉर्म में कर लें, मुझे ग्रेवी वाला टेक्सचर पसंद है, मैंने इस तरह ही रखना है इसको। थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर दी, ये देखें, के साथ रोटी या नान के साथ सर्व करें, बेहतरीन मज़ा देगा ये। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।